थोड़ी देर में आगे आ रहा हूं इसी नियम पे। तो अभी तक मैंने 9 नियम बताए हैं, नवा नियम रिपीट कर रहा हूं कि दो वस्तुएं एक दूसरे के विरोधी हैं तो साथ में नहीं खाना। दूध दही साथ में नहीं खाना है, दही नमक साथ में नहीं खाना है, दूध और प्याज साथ में नहीं खाना है। दही के साथ अगर मीठा खाएंगे तो सबसे अच्छा है, दूध के साथ अगर नमक खाएंगे तो सेंधा नमक ही खाना है, काला नमक ही खाना है, नहीं तो आप हमेशा के लिए भूल ही जाइए ना, नमक ही बदल दीजिए तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, मुझे समझाने ही नहीं पड़ेगा। इसके आगे 2-3 चीजें छूट गई हैं, खट्टे फलों के साथ कभी भी दूध नहीं खाना है। खट्टे फल संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, ये सब खट्टे फल है, सिट्रिक, इन फलों के साथ कभी भी दूध नहीं, इनके साथ हमेशा दही लस्सी आदि आदि ले सकते हैं। खट्टे फलों के साथ दूध नहीं खाना है। आम एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आम जो है ना एल्कलाइन है, आम एसिडिक है नहीं। आम जब तक खट्टा है माने कच्चा है तो एसिडिक है, पकने के बाद वो एल्कलाइन हो जाता है, इसलिए आम और दूध तो खा सकते हैं। बाकी खट्टे फल को याद रखिए, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, ये दूध के साथ नहीं खा सकते। और एक चीज जी, सेब खा सकते हैं दूध के साथ, क्योंकि सेब सिट्रिक नहीं है, सेब एक्चुअली एल्केलाइन है, तो वो दूध के साथ खा सकते हैं। गाजर है, सेब है, दोनों एल्केलाइन है। मूली एसिडिक है, मूली दूध के साथ नहीं खा सकते। गाजर दूध के साथ खा सकते हैं, सेब दूध के साथ खा सकते हैं, चीकू दूध के साथ खा सकते हैं, केला दूध के साथ खा सकते हैं। जो एसिडिक चीजें हैं वो दूध से अवॉइड करिए, दूध के साथ मत लीजिए। और एक छोटी सी बात इसी में जोड़नी है, कटहल की सब्जी कभी भी खाएं तो उसके साथ दूध मत खाइए। ये एक ही एक्सेप्शन है, कटहल एसिडिक नहीं है, कटहल एल्केलाइन है, फिर भी वो दूध के साथ वर्जित है, ये एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन का कारण यह है कि कटहल का वही किस्सा है, हाई प्रोटीन है बहुत ज्यादा, उसको डाइजेस्ट होने के लिए डिस्टरबेंस होता है दूध से, इसलिए आयुर्वेद में कह दिया गया हटाइए इसको, अलग अलग खाइए, दूध खाइए अलग, कटहल अलग खाइए। और एक दो चीजें हैं इसी क्रम में कि किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या नहीं खाएं। घर में कभी भी आप कोई ऐसी चीज बनाएं जो तासीर में गर्म है, उसके साथ ठंडी चीज कोई ना हो। जैसे आजकल मैंने देखा है हम गरम गरम खाना खाके आइसक्रीम जरूर खाते हैं, अपना सत्यानाश करते हैं। और ये सत्यानाश कैसे होता है, कोई आपको शादी में बुलाता है, इनविटेशन देके कि आइए और हमारे यहाँ गरम डिनर खाके आइसक्रीम खाके मर के जाइए, और एक नहीं खाइए डबल खाइए। और मैंने तो पंजाब में ऐसे भी महान महान लोग देखे हैं कि आइसक्रीम में गरम रसगुल्ला डाल के खाते, महामूर्ख लोग पता नहीं कहां से आए, गरम गरम रसगुल्ला एकदम ठंडे आइसक्रीम में डाल के खाते। फिर पूछो भाई क्या कर रहे हो तो कहते टेस्ट है जी, शरीर का देखना है कि टेस्ट का देखना है। तो आप कहीं भी डिनर में जाइए, मैं ये नहीं कहता डिनर में मजे जरूर जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर डिनर गरम गरम आपने खा लिया है तो ठंडी आइसक्रीम मत खाइए। और कई लोग पंजाब में ऐसे हैं याद ही नहीं रखते, अभी चाय भी अभी आइसक्रीम खा ले, हाँ उनको बिल्कुल एक मिनट नहीं लगता, चाय पी के निकले कहीं आइसक्रीम खा के आ गए, आइसक्रीम खा के आ गए इधर चाय पी ली या इधर कॉफी पी ली। तो चाय और कॉफी दोनों गर्म है और आइसक्रीम बहुत ठंडी है, इनका कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत तकलीफ होती है शरीर को। एक घंटा कम से कम गर्म चीज खाने के एक घंटे के बाद ठंडी चीज, या ठंडी चीज खाने के एक घंटे के बाद गर्म चीज। और वैसे मैंने कल आपको सूत्र बताया था, ठंडा कुछ खाना ही नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम तो 10 डिग्री से कम की है, वो शरीर को तकलीफ ही देने वाली है। तो आप बोलेंगे फिर आइसक्रीम को कैसे खाएं, गर्म करके खाइए। अगर आइसक्रीम खानी है तो उसको गर्म करिए फिर खाइए। मैं